अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर खुजराम नियर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर टॉपिक है वो है फार्माकोग्नोसी के टॉपिक, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे ग्लाइकोसाइड्स में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड हमने पढ़ा था, फिर उसकी हमने ड्रग पढ़ी थी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, उसकी एक क्लासिफिकेशन। उस क्लासिफिकेशन में हमने कुछ ड्रग्स पढ़ी थी जिसमें कैस्केरा सैग्रेडा एलो था। अब उसमें तीसरी ड्रग है रुबार्ब, जो कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आती है रुबार्ब। ठीक है, रुबार्ब का हम छोटा सा एक लेक्चर हमने ड्रॉ किया है, तो उसको हम रीड करते हैं कि जिसमें सेनोनियम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की पिक्चर्स, जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो, और यूजेस, इनको हम डिस्कस करेंगे। सेनोनियम्स क्या हैं? रुबार्ब को जाना जाता है रुबार्ब के नाम से, रिहम के नाम से, चाइनीज रुबार्ब के नाम से। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है कि ये हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है पील ड्राई रूट्स और राइजोम्स, कहाँ से? रूट्स और राइजोम्स ऑफ पेरिडर्म टिश्यू ऑफ रहम ऑफिसिनेल। ऑफिसिनेल प्लांट का नाम है, ठीक है। ऑफिसिनेल के रूट्स और राइजोम से हमें ये ड्रग मिलती है। और अदर स्पीशीज है रहम पालमेटम, और ये फैमिली कौन सी, किस फैमिली से बिलोंग करता है? पॉलीगोनेसी, पॉलीगोनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। सिनोनिम क्या है? रुबार्ब, रहम, चाइनीज रुबार्ब। बायोलॉजिकल सोर्स में क्या है कि ये ड्राई रूट्स और राइजोम्स होते हैं किस प्लांट के? रहम ऑफिसिनेल प्लांट के, या फिर रहम पालमेटम के, और किस फैमिली से बिलोंग करता है? पॉलीगोनेसी। ज्योग्राफिकल सोर्स देखी जाए तो ये है कि कहाँ कहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है, कहाँ से हम कलेक्ट करते हैं इसको। तो ईस्ट एशिया में, नॉर्थ वेस्ट एशिया में, चाइना में, यूनान में, थाइबेट में, और इंडिया में इनकी कल्टीवेशन होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देखा जाए तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है कि इसके ये एंथ्रोन इसमें पाया जाता है, डाई एंथ्रोन, हेट्रो डाई एंथ्रोन। और ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स है, इसमें जो एंथ्राक्विनोन एक ग्लाइकोन है वो है इसके एंथ्राक्विनोन के एक ग्लाइकोन है क्राइसोफिनोल, एलो, इमोडिन, इमोडिन, फिजियोन और रहन। ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इनके स्ट्रक्चर्स हम ड्रा करते हैं यूजेस के बाद। इसके यूजेस देखा जाए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितनी भी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हैं वो है, वो इनकी एक ही प्रॉपर्टी है लैक्सेटिव और परगेटिव के तौर पर, कैथार्टिक, लैक्सेटिव और परगेटिव के तौर पर यूज़ होती हैं। इसके जो यूजेस हैं, ओवरऑल यूजेस हैं कि ये एंटी स्पास्मोडिक भी है, मतलब कि ये मसल्स जो होते हैं ना, मसल्स, उसकी टोन को भी ये रिलैक्स करता है, ठीक है। और एंटीसेप्टिक है, डिमल्सेंट है, सूथिंग लेयर प्रोवाइड कर देता है एलिमेंट्री केनाल की सरफेस के ऊपर। डायूरेटिक के तौर पर भी एक्ट करता है ये, एस्ट्रिंजेंट के तौर पर भी एक्ट करता है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब है कि जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो तो ये कंस्ट्रिक्ट करके वेन्स को, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करवाता है। फिर लैक्सेटिव है, परगेटिव है, स्टोमचिक है और टॉनिक है, मैदे के लिए भी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत टॉनिक के तौर पर यूज़ करता है। इसमें जो एंथ्राक्विनोन पाए जाते हैं उनकी लैक्सेटिव इफेक्ट्स होते हैं, और जो इसके अंदर टैनिन्स और बिटर्स पाए जाते हैं उनके एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट होते हैं, मतलब ब्लीडिंग को रोकने वाले इफेक्ट होते हैं। ये हैं इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स। इसमें क्राइसोफिनोल, एलोइमोडिन, ब्रेन, ठीक है। अब ये है, हमने पढ़ा है ग्लाइकोसाइड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है शुगर का और एक होता है नॉन शुगर का। अब ये है क्राइसोफिनोल, क्राइसोफिनोल का स्ट्रक्चर है, इसमें एक शुगर का पार्ट है और एक नॉन शुगर ग्रुप अटैच है। फिर है एक एलोइमोडिन, एलोइमोडिन में सेम यही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पर एक CH2OH की सब्सटीट्यूशन है, मिथाइल अल्कोहल की सब्सटीट्यूशन है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है एलोइमोडिन का। फिर ये नीचे आप देखें रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, सारा का सारा सेम है, शुगर और नॉन शुगर पार्ट है। इसमें इस जगह पर जहाँ पर मिथाइल अल्कोहल अटैच है, यहाँ पर CWOH अटैच है, ये रेन का स्ट्रक्चर है। ये थे हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रुबार्ब। यही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऐसे ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे एंथ्राक्विनोन के बाकी ड्रग्स में भी पाया जाते हैं, जो कि लैक्सेटिव और परगेटिव इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा था रुबार्ब का छोटा सा टॉपिक। हमारा लेक्चर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने बाकी फ्रेंड्स में, ताकि हमारी न्यू से न्यू लेक्चर की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।